देश जो कहता है जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वो ऐसी दोगली बात कर रहा है। मुझे, मैं कुछ कहने के लायक भी नहीं, मैं उल्टी आती है, मुझे उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से, तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। उन रेपिस्ट को माला पहनाई गई है, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप सोसाइटी में? चुप होकर हम इसे जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको छुटकारा मिल जाएगा, इनको वापस जेल जरूर होगी। तो हम खड़े हैं उसमें जन संघर्ष ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। Should even be asking a question like this, बिल्कुल बानो के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके परिवार के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके परिवार के साथ जो ज्यादती हुई है कि उसके ऊपर इतनी बुरी दुर्घटना हुई, उसके बाद जब वो अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश कर रही है, और हम जो हैं ये समाज के लोग हैं, देख रहे हैं कि वो जो 11 कॉन्विक्ट हैं उनको हमने रिमिशन के तौर पर छोड़ दिया है, और हम ये कह रहे हैं कि ये लॉ है और ये वो लॉ है, और 92 में ये लॉ नहीं था, और अब जो है जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है वो तो 222 का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ऐसी बातें कर भी सकते हैं। क्या हम दरिंदे हो गए पूरे के पूरे? क्या हम इंसान नहीं रहे? क्या ये देश जो कहता है कि हम महिला की इज्जत करते हैं, ये देश जो कहता है कि महिला जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वो ऐसी दोगली बात कर रहा है? मुझे, मैं कुछ कहने के लायक भी नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आएगा, उस जजमेंट में इस बात को शामिल किया जाए कि जो बिल्किस बानो के रेपिस के साथ हुआ, और उसके बाद मतलब उन रेपिस को माला पहनाई गई है, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप सोसाइटी में? चुप होकर हम इसे जाने नहीं देंगे। मैम ये चीज और बता दें कि एक लड़ाई 20 साल तक लड़ी गई और उसके बाद उस तरह से ऑटेंस पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ इस मामले। मुझे लगता है कि लोग इतने शॉक्ड हो गए कि किसी को ये यकीन भी नहीं आ रहा पूरी तरह से कि ये बात हो रही है। वक्त आएगा, लोग इकट्ठा होंगे 100%। हमको मायूस नहीं होना चाहिए, इस तरह की ज्यादा नामुमकिन है कि हमारे देश में, ये देश के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे। तो क्या बिल्किस बानो ये इंसान नहीं है? सवाल तो यही है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती हैं? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे। वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक लड़ाई जो 20 साल तक लड़ी गई, उस लड़ाई के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो तो क्या अब इंसाफ के बहुत करीब है, वो जो अपराधी थे वो जेल चले गए, लेकिन वो कौन सा ऐसा झटका एकदम लगा होगा कि जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया आज वो आज़ादी के साथ। जाहिर है कि उनके खुद शौहर ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक तो बिल्किस कुछ बोली ही नहीं थी जब ये शर्मनाक हादसा उनके साथ हुआ था, और अब जो वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बटोर रही थी, तो ये जो सदमा उनको पहुंचा, ये सदमा वो कैसे रिकवर कर सकेंगी इससे? मैम द कमिटी विच रेकमेंडेड द रिलीज ऑफ दीज 11 कॉन्विक्ट्स, फाइव ऑफ देम वर फ्रॉम द बीजेपी, फाइव ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम द बीजेपी, वन ऑफ देम इवन वेंट ऑन टू से दैट दीज मेन आर फ्रॉम गुड फैमिलीज, दे आर ब्राह्मिन्स, दे हैव गुड संस्कार। संस्कार रिएक्ट टू सच, उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है। ये संस्कारी लोग हैं, अगर ये हमारे जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से, तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान को कितना ईमानदार मानती हैं जो ये लाल किले से उन्होंने दिया? क्या ये कवर अप के लिए था जिस तरह के फैसले हुए? ये जब तक हमको इसका नतीजा नहीं मिलेगा, जब तक हम ये नहीं कह सकते,
हमको इसका नतीजा चाहिए, एक हफ्ते के अंदर चाहिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पुनर्विचार करे गुजरात सरकार, तो पुनर्विचार किया जाएगा लगता है आपको? पुनर्विचार तो होना ही पड़ेगा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इनको छुटकारा मिल जाएगा, इनको वापस जेल ज़रूर होगी। मैम क्या ये मजबूती से जो लड़ाइयाँ सड़क पर लड़ी जा रही हैं इनका नतीजा आपको लगता है कुछ अच्छा निकलने वाला है? क्योंकि कहा जाता है कि भाई सड़क पर लड़ने से कुछ नहीं होगा। असल में बात ऐसी है कि हमारे मुल्क के जिस घर में हम खड़े हैं उसमें जन संघर्ष ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आप जन संघर्ष नहीं करेंगे, और भी जो 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 आपके लेजिटिमेट किस्म के जो लॉ के जरिए भी आप करें, लेकिन जन संघर्ष बहुत ही जरूरी है। आज के बाद इस आवाज़ को कैसे उठता देखना चाहती हैं? क्योंकि आज तो मजबूत है लेकिन आगे कैसे उठे और आप क्या चाहती हैं? मुझे ये लगता है कि यही मुल्क के जो लोग थे वो जब निर्भय के साथ बिल्कुल एकजुट हो गए थे तो वो अभी एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? मगर मुझे यकीन है कि एकजुट होंगे, क्योंकि ये इतनी घिनौनी हरकत हुई है कि हम अपना सर अपने देश में ही किसी के सामने नहीं उठा पाएंगे। गुजरात सरकार ने दिया, इस तरह से दिया, आप कहते हैं कि 1992 का जो लॉ है उसके तहत आपने दिया, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इसी समर 2022 में कहा था कि कोई भी रेपिस्ट रिमिशन नहीं हासिल करेगा। कैसे हुआ ये? गुजरात सरकार ने, स्टेट ऑफ गुजरात, उन्होंने ये ऑर्डर कैसे दिया इसकी जानकारी की जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि गुजरात सरकार ऐसा कदम उठा सकेगी अगर सेंटर से उनको कोई डायरेक्टिव नहीं मिला हो? अगर आज जज ये कहते हैं कि हमको यही देखना है कि जो हो गया तो हो गया, हम तो जो कानूनी तौर पर जो बात हमको देखते हैं उसके तहत हम ये डिसाइड करेंगे, तो लोगों औरत होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम बड़ी से बड़ी भीड़ को इकट्ठा करें और हम ये बता दें कि इस तरह का जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, उसके परिवार के साथ जो हुआ है, हम अपने हिंदुस्तान को ये करते हुए नहीं देख सकते, और इसलिए सब के सब मिलकर आवाज़ उठाएं। बस मेरी यही प्रार्थना है। शुक्रिया।